दुर्ग के वार्ड 14 सिकोला भाटा प्राइमरी स्कूल जो 104 साल पुराना होने के साथ ही शिक्षा विभाग व प्रशासन की अनदेखी के चलते ढह गया। घटना में किसी किस्म की अनहोनी तो नहीं हुई, पर स्कूल की जर्जर हालत को देखकर पिछले महीने विधायक अरुण वोरा ने स्कूल का जायजा लेकर नए भवन का निर्माण करने की जरूरत बताई थी। दुर्ग के वार्ड 14 स्थित सिकोला भाटा प्राइमरी स्कूल आज अपनी अव्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। 104 वर्षों का सफर तय कर ये स्कूल अनगिनत लोगों से जुड़ी कहानी बयां कर रहा है। वहीं अब शिक्षा विभाग व प्रशासन की अनदेखी के चलते मंगलवार की सुबह स्कूल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गया। वहीं माह भर पूर्व शहर विधायक अरुण वोरा ने स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के जर्जर होने पर चिंता जताई थी। वोरा ने कलेक्टर से स्कूल भवन के नव निर्माण के लिए राशि जारी करने के साथ ही स्कूल को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की मांग भी की थी। वहीं स्कूल भवन का निरीक्षण करते तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का एक्शन न लेने के कारण स्कूल भवन ढह गया। गौरतलब है कि ये स्कूल 1918 में प्रारंभ होकर अब इस परिसर में 3 स्कूलें संचालित होती है, जिसमें प्राइमरी में 511, मिडिल में 433 और हाई स्कूल में 156 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें वर्तमान में स्कूल भवन के उखड़ते प्लास्टर की कई बार मरम्मत कराई जा चुकी है, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। जर्जर भवन से प्लास्टर गिरने के खतरे और दहशत के बीच पटरी पार के स्टूडेंट यहाँ भविष्य गढ़ते रहे। वही स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बाहर टंकी से लगे पानी पीने के साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों ने भी अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखी है। इस संबंध में न्यूज टीम को स्कूल की प्राचार्य व पूर्व पार्षद सहित अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, ये तो पहले भी इसके में आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर है, मंत्री जी हैं, इन और यहाँ तक के शंकर ठाकुर भी हमारे जो पार्षद हैं इनके आवेदन भी दे चुके हैं और आत्मानंद के लिए भी इसके लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस तरफ समझ नहीं आ रहा कि पटरी पार्क की तरफ ऐसा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रशासन क्यों इस टाइप से ऐसा कर रहे हैं, अलगाव टाइप से इस टाइप से क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इतना जर्जर होने के बाद 1918 से बना हुआ है, 105 साल हो गया है, उसके बाद भी इस स्कूल के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि रिपेयरिंग के लिए 10 बार 50 बार इसको बता चुके हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। 1918 का स्कूल है, आज अगर वहाँ पर बच्चे अगर बैठे रहते वो तो सौभाग्य कि कोई बच्चे स्कूल लगने के पहले ये भरभरा के गिर गया। अगर बच्चे बैठे रहते तो बहुत बड़ी दुर्घटना होता और इसका प्रशासन जिम्मेदार है। कई बार हम लोग भी बोले इसको रिपेयरिंग कराओ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो सरकार की तरफ से शिविर वगैरह लगा था उसमें भी सर जन दर्शन और जन समस्या निवारण में भी सभी को हम सूचित किए हैं, हमारे पूरे मोहल्लेवासी, उसके बाद भी ध्यान नहीं गया। तो कम से कम 105 साल हो गया है ये जो बिल्डिंग जिसके बारे में बता रहे हैं, जो कि आज गिर चुका है, 105 साल पुराना है। इसके लिए कई बार बात हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या लगता है जो मकान कमरा ढहा है उसके बाजू बच्चे पढ़ रहे थे उस समय? नहीं, उस समय बच्चे आए नहीं थे, क्योंकि ये बहुत सुबेरे की बात है, बच्चे के स्कूल लगने के पहले की घटना है ये। जर्जर और अव्यवस्था के आलम में पड़ा दुर्ग शहर के वार्ड 14 सिकोला भाटा स्थित इस प्राइमरी स्कूल का भाग्य अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है, जिसकी चिंता जताते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने भी शिक्षा विभाग और प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की थी, लेकिन अनदेखी के चलते आज एक बड़ा हादसा टल गया। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने स्कूल भवन को किस तरह से तराशता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।